नमस्कार, मैं अश्वानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। दिल्ली के ऐतिहासिक जामा मस्जिद ने अकेली लड़कियों की एंट्री बैन कर दी है। मस्जिद के एंट्री गेटों पर अकेली महिलाओं की नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए गए हैं। नोटिस में लिखा है कि जामा मस्जिद में लड़की या लड़कियों का अकेले दाखिला मना है। मतलब साफ है कि बिना पुरुष की महिलाएं अब जामा मस्जिद में एंट्री नहीं ले पाएंगी। इस बात पर राजनीति भी शुरू हो गई है। पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान होने के बाद माना जा रहा है कि इस पर जारी राजनीति भी अब बंद हो जाएगी। पाकिस्तान में अब सेना की कमान लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के हाथों में होगी। पीएम शहबाज शरीफ ने विचार विमर्श के बाद उनके नाम पर अंतिम मुहर लगा दी है। बिस्लेरी के चेयरमैन रमेश चौहान ने मीडिया को बताया है कि वो बिस्लेरी का कारोबार बेच रहे हैं और फिलहाल संभावित खरीदारों के साथ चर्चा कर रहे हैं। दावा किया जा रहा था कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड अनुमानित 6000 से 7000 करोड़ रुपए में बिस्लेरी को खरीदने वाली है। झारखंड के गोड्डा जिला के मेहरमा ठाकुर गंगटी प्रखंड के सीआरडी गांव के एक मुस्लिम युवती ने मेहरमा कस्बा गांव के हिंदू युवक से शादी कर ली है। इसी लड़की का 2 वर्ष पूर्व उसी गांव के मुस्लिम युवक से उसकी शादी हो गई थी, लेकिन वह कछुआ गांव के ही एक हिंदू युवक से प्रेम करती थी। मुस्लिम लड़की ने हिंदू धर्म अपना कर अपने प्रेमी से भागलपुर के पीरपैंती में शादी कर ली है। इस शादी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एहार टोल प्लाजा पर एक लग्जरी कार में सवार व्यक्ति का बैरियर तोड़ते और कर्मचारियों से विवाद करने के साथ ही रुपए उड़ाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। यह वीडियो बीती 19 नवंबर की सुबह का बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों द्वारा सुलह समझौता कर लिए जाने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इग्नू में बीएड पीएचडी और बीएससी नर्सिंग दाखिले के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने बीएड पीएचडी और बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में अगले साल दाखिले के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। कार में कैश मिलने का मामला सूरत का बताया जा रहा है कि इनोवा कार से 75 लाख रुपए बरामद हुए हैं। स्टैटिक सर्विलांस टीम ने यह बरामदगी की है। इस मामले में गहनता से जांच शुरू कर दी गई है। घटना में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार किए गए 2 लोगों में से एक की राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ फोटो वायरल हुई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में आखिरकार प्रियंका गांधी भी शामिल हो गई हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी का साथ देने पहुंची हैं। इस दौरान वह राहुल गांधी के साथ कदम ताल करती आईं। इससे पहले भाजपा समेत कई पार्टियों के नेता ये तंज कसत रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा में प्रियंका ही दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस ये कैसे भारत जोड़ो अभियान कर निकली है। तेलंगाना में आयकर अधिकारी रत्नाकर ने श्रम और रोजगार मंत्री मल्ला रेड्डी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आयकर अधिकारी का कहना है कि मंत्री मल्ला रेड्डी ने एक केस से जुड़े सबूत हैदराबाद में आईटी ऑफिसर्स से छीन ली। इधर मंत्री मल्ला रेड्डी के बेटे ने भी आयकर अधिकारी के खिलाफ एक मामला दर्ज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के आरोप के आधार पर अलग अलग मामले दर्ज कर लिए गए हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम कदम ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को आड़े हाथ लिया है। दरअसल अभिनेत्री ने 2020 में हुए गलवान घाटी झड़प को लेकर बयान दिया था, जिसमें अनेकों भारतीय जवान बलिदान हो गए थे। राम कदम ने कहा कि खबरों में आना और पब्लिसिटी पाने के लिए क्या ऋचा चड्ढा देश की सेना का अपमान करेगी, उन्हें क्या हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 नवंबर को मेरठ के विक्टोरिया पार्क में प्रबुद्ध जन सभा करेंगे। इनमें लगभग 20,000 प्रबुद्ध जन सम्मिलित होंगे। भाजपा पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा करने के बाद पार्टी कार्यालय पर रणनीति तय की है। मुख्यमंत्री इन दिनों प्रमुख शहरों में पहुंचकर परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। झारखंड के चतरा शहर की सड़कों पर गुरुवार को भाजपा और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की हुजूम देखने को मिली। भाजपा हेमंत सरकार के विरोध में जन आक्रोश रैली निकाल रही है, तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ होगी। 2 प्रमुख दलों के आयोजन को लेकर राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। 4 साल पहले सऊदी अरब कमाने गए देवरिया जिले के लाल बाबू सऊदी अरब की जेल में 2 माह से बंद है। वीजा की वैधता खत्म होने के बाद भी सऊदी अरब में काम करने पर सऊदी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इससे लेकर स्वजन परेशान है। उन्होंने सकुशल वतन वापसी के लिए भारत सरकार से गुहार लगाई है। कुछ ही दिन के अंतराल के बाद एक बार फिर से आयकर विभाग ने महानगर के कुछ ज्वेलर्स के व्यवसायिक एवं रिहायशी भवनों पर छापेमारी की है। वीरवार अल सुबह से शुरू हुई कार्रवाई बाद दोपहर तक भी जारी रही। जिन भवनों के ऊपर छापेमारी की जा रही है वहां पर पुलिस तैनात किया गया है। किसी को भी अंदर बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। हरियाणा प्रशासन के एडवाइजर ऑफिस की कार्यप्रणाली पूरी तरह से बदल गई है। अब यहां कोई फाइल फिजिकल तौर पर नहीं आएगी, केवल ई फाइल ही आएगी। अगर कोई फाइल फिजिकल तौर पर आती है तो वो उसे वापस लौटा दिया जाएगा। यह नई प्रणाली ई ऑफिस मॉड्यूल के तहत शुरू हुई है। अब इसी के तहत सभी काम होंगे।
एलोन मस्क के ट्विटर के अधिग्रहण के बाद कई मशहूर हस्तियों को प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया है। अमेरिकी अभिनेता, कॉमेडियन, लेखक और टेलीविजन पर्सनालिटी व्हिप गोल्डबर्ग ने 7 नवंबर को ट्विटर छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा की। शुंडालीन राइम्स, जेलेना नूरा, गिगी हदीद, डेविड जुडा, साइमन जॉन, एंथोनी वाइट, एरिक जे लार्सन, ये वो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने ट्विटर छोड़ दिया है। अगले महीने बांग्लादेश दौरे के लिए इंडिया टीम का ऐलान कर दिया गया है। बंगाल के सलामी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन भारत ए टीम का नेतृत्व करेंगे। टीम में भारत के अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और तेज गेंदबाज उमेश यादव को जगह दी गई है। पुजारा उमेश को दूसरे 4 दिवसीय मैच के लिए चुना गया है। भारत शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच बचों से कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई यह दावा कर रहे हैं कि वे कर्नाटक में शामिल होना चाहते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि इस बार का गुजरात चुनाव बीजेपी के जीत के बारे में ज्यादा नहीं है, इसका तो पार्टी को यकीन है। यह चुनाव सुनिश्चित करने के लिए है कि नरेंद्र मोदी 2024 के चुनावों में प्रधानमंत्री के रूप में वापसी करें। बिहार में अपनी राजनीतिक पहचान बनाने में जुटे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों जनसुराज पद यात्रा पर हैं। प्रशांत किशोर अपनी जनसुराज पद यात्रा के 54वें दिन कहा कि 35 सालों से हम छोटे भाई नीतीश कुमार और बड़े भाई लालू यादव की सरकार देखते आए हैं। दोनों भाई एक दूसरे के पूरक हैं। इसके साथ ही दोनों ने ये कॉमन धारणा लोगों के मन में बना दी है कि बिहार इससे बेहतर नहीं हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आकलन के मुताबिक दुनिया के 4 करोड़ बच्चों ने अपनी खसरे की डोज मिस कर दी है। तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चों को खसरे के टीके की पहली खुराक ही नहीं मिल पाई, जबकि 1.5 करोड़ बच्चों को दूसरी डोज नहीं मिल सकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के 4थे दिन सरकार को सुप्रीम कोर्ट के कई तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल कोर्ट में पेश की। कोर्ट ने फाइल देखकर इस नियुक्ति में सरकार की ओर से दिखाई तेजी पर सवाल खड़ा किया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा गया है। बिश्नोई के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर उस पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई के आतंकवाद से भी कनेक्शन जुड़ रहे थे। जेल के अंदर विशेष सुविधाएं पाने से संबंधित लीक वीडियो के सार्वजनिक होने के बाद विवादों में घिरे दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को कोर्ट से अनुरोध किया था मीडिया को उनकी जेल की कोठरी के अंदर के फुटेज प्रसारित करने से रोका जाए। जम्मू और कश्मीर में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक संदिग्ध वस्तु सांबा में मिली। एडिशनल एसपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर विजयपुर थाने की पुलिस टीम ने आज सांबा के छानी मनहासन के पास खेत में एक संदिग्ध सीलबंद पैकेट बरामद किया। इसकी जांच जारी है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। इस बीच प्रचार को लेकर एक विवाद सामने आया है। दरअसल भाजपा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें कुछ विदेशी नागरिक नजर आ रहे हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस वीडियो पर तृणमूल कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने विदेशी नागरिकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अंकिता भंडारी मर्डर केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस मामले में अभी भी कई परत ऐसे हैं जिससे पर्दा उठना बाकी है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए अंकिता भंडारी के पिता ने अब विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उन्होंने इस जांच में अपनी मांग रखते हुए कहा कि जितने भी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए ताकि सब कुछ स्पष्ट हो सके। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत ठाकुर, नुनू कुमार, मोहम्मद नौशाद रजा, मोहम्मद शाकिर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि जामा मस्जिद में लड़कियों के अकेले प्रवेश पर प्रतिबंध के मामले में आपकी क्या राय है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।